गुड मॉर्निंग, टुडे इज डे 2 इन सांची. हम कल शाम को पहुंचे थे एंड वी वेंट फॉर द लाइट एंड साउंड शो एट द सांची स्तूपा. आज सुबह उठे हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टू सी द सांची स्तूपा. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द प्लेस नाउ. पहुंचे चंदेरी और चंदेरी से अब हम निकले हैं सांची की तरफ. शाम के करीब 3 बज रहे हैं. वी आर इन द हार्ट ऑफ एमपी. ये हमारा रोड ट्रिप है वेयर वी आर गोइंग ऑल द वे फ्रॉम मनाली वाया दिल्ली ग्वालियर महाराष्ट्र ऑल द वे टू गोवा जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है. एंड राइट नाउ ये जो स्ट्रेच हम कर रहे हैं ये इंटीरियर्स ऑफ एमपी है. सो चंदेरी वॉज अ वेरी नाइस क्विक स्टॉप. फोर्ट देखने में तो बहुत मज़ा आया. उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सुनने समझने में मज़ा आया. हमने चंदेरी सिल्क्स खरीदे हैं एंड वी आर सो थ्रिल्ड अबाउट इट. इसके आगे अब हम पहुँचेंगे सांची और हमारे इंडियन करेंसी में इतने सालों से जो हम सांची स्तूपा अशोक चक्र वगैरह के साइंस देख रहे हैं उसको आज हम साक्षात सामने देखने वाले हैं. होपफुली अनादर 3 hours विल बी देयर इन सांची. एज पर द GPS वी आर जस्ट 150 kilometers अवे. द रोड सरप्राइजिंगली हैव बीन एब्सोल्युटली एक्सलेंट सिंस वी लेफ्ट ग्वालियर. सो काफ़ी कुछ है जो सरप्राइजिंग है. एमपी का जो एक इमेज दिमाग में बना था और अब जो हम क्लीन ग्रीन एमपी देख रहे हैं पोस्ट ग्वालियर इज अ प्लेजर. वी आर रियली लविंग दिस स्ट्रेच. सो अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेच आप कीजिए. एंड फाइनली वी आर हियर एट सांची. इट्स अराउंड 6:45. सो वी हैव कम टू द MPTDC गेटवे रिजॉर्ट. दिस इज जस्ट 300 meters अवे फ्रॉम द सांची स्तूपा. और 7 बजे यहाँ सांची स्तूपा में लाइट एंड साउंड शो है विच वी डोंट वॉन्ट टू मिस. वी हैव टू गो एंड पिक द टिकट्स फ्रॉम द रिसेप्शन. 100 rupees की टिकट है. तो चलिए फटाफट पहले हम लाइट एंड साउंड शो देख कर आते हैं. स्मारकों के नुकसान और लूट में योगदान दिया. 1912 से 1918 तक धर्म का ही मार्ग दिखाते हैं वर्तमान. ये अलग अलग कालखंडों में समन्वय और सहिष्णुता. मुझे लौटना है वहां जहां बुद्ध और उनके धम्म सेनापति थे. उसे हमें मिलकर निभाना है. हमारे आने वाले ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. कल शाम को वी रीच्ड एट अबाउट 7 o'clock और द लाइट एंड साउंड शो वाज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट. सो वी रश्ड देयर एंड सो वी आर गोइंग टू बी गोइंग फर्दर अहेड टू इंदौर टुडे. बट उसके पहले हम जाके सांची स्तूपा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे जो हम देखने के लिए सांची आए हैं. तो अब हम पहुँचे हैं सांची स्तूपा सांची में. और मेरे पीछे जो है ये दिस इज़ वन ऑफ द स्तूपाज एंड वन ऑफ द मेन स्तूपाज इज़ राइट दैट वे जो आपने बहुत सारे फोटोज पिक्चर्स हमारी करेंसी में देखा होगा. दैट इज़ द सांची स्तूपा हियर. सो लेट्स हेड अहेड टू द सांची स्तूपा. एंड पैंडमिक में ट्रैवल कर रहे हैं सो मस्ट इज़ अ मास्क. टुडे बीइंग अ वीकेंड यहाँ भीड़ है आज तो मास्क ज़रूरी है. सो ट्रैवल कीजिए ड्यूरिंग पैंडमिक बट मेक श्योर यू आर ट्रैवलिंग सेफली. बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के अंदर मत जाइए. ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम पीपल एंड ऑलवेज यूज़ अ मास्क एंड कीप सैनिटाइजिंग योर
hands. Let's go. सर, यहाँ जैसे अशोक पिलर दिखाई दे रहा है आप सामने, ये हाँ, इसका आधा पार्ट ये टूटा हुआ पड़ा है मैडम, वो जो सामने दिख रहा है आपको वो, हाँ, और इसके टॉप में इस तरह के फोर लॉयन कैपिटल थे जो नीचे म्यूजियम में रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो जैसे आम जनता जो है इसको अशोक पिलर मानती है, जो हिस्टोरियन है उसको, हाँ, इसको जो है फाउंडेशन स्टोन मानते हैं। ये सांची का पहला पत्थर है, उसके बाद ये स्तूपा और बाद में पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ब्रोकन पार्ट वो वहाँ पे पड़ा हुआ, वो तोड़ा किसने? एक लैंडलॉर्ड था, शुगर क्रेस करने के लिए जो कोल्हू से तेल निकालते हैं, हाँ, गन्ना पेरते हैं ना, हाँ, उसने यूज करना चाहा मस्टर्ड ऑयल, इसलिए वो टूट गया था। एम्परर अशोका चोज दिस हिलॉक टू बिल्ड द स्तूपास। यहाँ की शांति और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल क्वाइट एंड सरीन, वो देखते हुए विदिशा के पास ये हिलॉक में स्तूपास बनाने का डिसीशन लिया गया था 3rd century BC में। सो दैट्स द स्तूपा हियर। ये 5th century AD की मूर्ति है, उन्होंने इनके हेड को तोड़ दिया है। जो है भगवान बुद्ध जो है ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं, इसलिए ये गौतम बुद्ध हैं। अगर ये मूर्ति नेकेट होती ना, ये जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। तीन तरफ हेड नहीं है, इसका हेड मिल गया है तो इसलिए इसको रिप्लेस किया गया है। सो एज पर द कार्बन प्रिंट्स फाउंड हियर, इट इज सेड दैट गौतम बुद्धास एशेस हैव बीन प्रिजर्व्ड इनसाइड द मेन सांची स्तूपा और स्तूपा नंबर 1 व्हिच इज राइट हियर। So there is no access gate or any kind of access inside the stupa. सांची में मेन तीन स्तूपास के अलावा 45 अदर्स छोटे स्तूपास भी हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये स्तूपास हैं जिनके अंदर अस्थियाँ रखी गई हैं भिक्षुओं का, यानी मॉन्ग्स का, जो बुद्धिस्ट मॉन्ग्स यहाँ रहते थे उनका, एंड प्रीस्ट बुद्धिज्म राइट हियर इन सांची। नीचे की तरफ जो दिख रहा है वो एक मॉनेस्ट्री है। यहाँ पे महेंद्र और संघमित्रा अशोका के जो सन एंड डॉटर थे वो यहाँ रहते थे, और यहाँ से दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म। फ्रॉम देयर दे मूव्ड ऑन टू श्रीलंका एंड अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। और जो यक्ष है, इनको RBI जो है इकोनॉमिक गॉड मानती है, तो इसलिए उसने जो है 200 के नोट पे इसको एक्सेप्ट किया है। 200 के नोट? हाँ, 200 के नोट पे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो चाइना में जब फाइयान इंडिया में आया, तो इसने वहाँ पे जो है यक्ष को, यानी जो है चाइना में जाके लाफिंग बुद्धा के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। तो ये लाफिंग बुद्धा जो है इंडिया से ही वहाँ गया है। सो दैट इज़ वॉट वी हैव फ्रॉम द सांची स्तूपा। होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। तो ये था सांची स्तूपा, वेरी हिस्टोरिकल मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट, द प्लेस वेर बुद्धिज्म डग इट्स रूट्स डीप इनटू द सॉइल्स ऑफ आवर कंट्री एंड वाज प्रोपोगेटेड वर्ल्ड वाइड। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम सांची, होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ़ यू आर एन MP, मेक श्योर कि आप सांची आएं और सांची स्तूपा को आके ज़रूर देखें। सो बिफोर यू गो, अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, एंड क्लिक ऑन द बेल बटन। We'll see you again soon with another vlog as we proceed from Madhya Pradesh into Maharashtra. So till we meet again, take care, stay safe, and bye-bye.